हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको जीजीपीएस बोकारो में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या आपको जीजीपीएस बोकारो से और भी कोई ऑप्शन अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले, अगर आप बोकारो से आउटसाइडर हैं, अगर आप बोकारो में नहीं रहते हैं और अगर आप बोकारो में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको पर मंथ करीब 6 to 7,000 का एक्सपेंसेस आपके लग जाएंगे। इसमें आपकी जो फीस है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ आपके रहने और खाने का जो एक्सपेंसेस है बोकारो में, आपको 6 to 7,000 वहाँ पे अफोर्ड करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं जीजीपीएस बोकारो के बारे में। जीजीपीएस बोकारो में सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ फैकल्टी के बारे में, वहाँ का आपका इन्वायरमेंट, फी स्ट्रक्चर, वहाँ का आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी किस तरह से है, आपको वहाँ पे और क्या क्या उसके एडवांटेज आपको जीजीपीएस बोकारो और डिसएडवांटेज आपको वहाँ पे मिलेंगे, ये सारे चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि क्या आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैकल्टी की। तो जीजीपीएस बोकारो जो है वो सबसे बेस्ट फैकल्टी इंक्लूड करता है अपने स्कूल में। जीजीपीएस बोकारो में आपके जितने सारे टॉप फैकल्टी है बोकारो के, वो सारे के सारे आपको जीजीपीएस बोकारो में मिल जाएंगे। जितने सारे भी जितने सारे पॉपुलर नेम्स है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे रन कर रहे हैं बोकारो में, वो सारे के सारे टीचर्स आपको जीजीपीएस बोकारो में मिल जाएंगे। और वो सारे के सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पे पढ़ाते हैं, और उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत ही अच्छा वहाँ पे टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो फैकल्टी का अगर बात किया जाए तो फैकल्टी जीजीपीएस बोकारो की वन ऑफ द रिचेस्ट फैकल्टी है, और जीजीपीएस बोकारो इतना फैकल्टी किसी के पास और कोई स्कूल में है भी नहीं। और जितना अच्छा जीजीपीएस बोकारो के टीचर्स पढ़ाते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उतना मेहनत शायद ही कोई और स्कूल के टीचर्स करते होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अगर जीजीपीएस बोकारो में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा जिनमें विद्यालय या फिर डीपीएस से थोड़ा कम इन्वायरमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा कंपटीशन या फिर उतना ज्यादा उसके लिए वहाँ पे बच्चों में देखा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जीजीपीएस बोकारो में जो कि जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जितने होते हैं वो सिर्फ प्लस टू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और जितने सारे स्टूडेंट होते हैं वो करीबन अगर और क्योंकि जीजीपीएस बोकारो में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो अगर 800 अगर एडमिशन लिया, अगर स्टूडेंट लोगों ने लिया है, तो करीबन 100 स्टूडेंट ही होते हैं जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिसके कारण आपको वहाँ पे अलग से जेई और नीट की क्लास आपको बोकारो जीजीपीएस बोकारो में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे जैसे कि चिन्मय और डीपीएस हो गया, तो वहां पे आपको अलग से क्लास प्रोवाइड किया जाता है, अलग से उनके लिए डाउट क्लास या फिर लाइब्रेरी के कुछ और एडवांटेज आपको वहां पे मिलते हैं, जो कि आपको जीजीपीएस बोकारो में देखने को कम मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, आप पर्सनली टीचर से जाके पूछ सकते हैं, और टीचर आपके डाउट्स को या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हमेशा आपको हेल्प करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ही वहाँ पे बहुत ही कम है और खुद स्टूडेंट लोग है जो प्रिपेयर वहाँ पे नहीं करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्लास ये सब नहीं दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीजीपीएस बोकारो के फीस स्ट्रक्चर का। तो जब मैंने वहाँ पे 11 में एडमिशन लिया था, तो मेरे से 49,000 कुछ अमाउंट लिया गया था, तो अभी मेरे ख्याल से 55,000+ आपका एडमिशन चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि हर साल 5,000 जीजीपीएस बोकारो इंक्रीज कर देता है। तो हो सकता है कि अभी का जो एडमिशन चार्ज है वो 55,000 है, और पर मंथ चार्ज आपका 3,000 आपका पर मंथ फी होगा। तो फी के कंपेयर अगर किया जाए तो एडमिशन चार्ज तो जीजीपीएस बोकारो का कम है बाकी सारे स्कूल से, लेकिन जो इसका मंथली चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा है बाकी सारे स्कूल से। चिन्मय विद्यालय में जो होता है आपका एडमिशन चार्ज वो बहुत ही ज्यादा लिया जाता है, करीब 60 to 65,000, लेकिन वो इतना ज्यादा अमाउंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी मनी 15,000 लेते हैं। वहीं जीजीपीएस बोकारो में आपका सिक्योरिटी मनी सिर्फ 5,000 का होता है, और वो सिक्योरिटी मनी जो आपका 15,000 है वो आपको जब 12th आप पास आउट करते हैं तो आपको वापस दे दिया जाता है। तो अगर टोटल अगर फी में कंपैरिजन किया जाए तो जीजीपीएस बोकारो का फी भी बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा अगर फी की बात किया जाए तो जीजीपीएस बोकारो का ही है। वहीं पे मंथली फी जो चिन्मय विद्यालय का वो बस 2500 है,
तो अगर फी कंपैरिजन किया जाए तो जीपीएस बोकारो का फी बहुत ही ज्यादा है। बाकी और भी बहुत सारे चार्ज आपको जो जीजीपीएस बोकारो में देने पड़ते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं वहां के डिसिप्लिन के बारे में। तो जीजीपीएस बोकारो का जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन स्कूल माना जाता है। वहां का डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे भी जब मैं वहां पे गया था तो आपको वहां पे लाइन से जाना है, आपको लाइन से आना है। मतलब कि डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको जीजीपीएस बोकारो में देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा डिसिप्लिन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कहीं और नहीं देखा, तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ। और आप भी जब जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, वरना आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करना कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो अगर आप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं तो जीजीपीएस बोकारो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जीजीपीएस बोकारो अपना ईयरली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है जीजीपीएस के सारे स्कूल्स को, और भी सीबीएसई कॉम्पिटिशन ये सब होते हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में वो जीता भी है। तो ये बात होगी वहां के स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वहां के, तो वहां का लाइब्रेरी के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां का लाइब्रेरी भी बहुत ही अच्छा है। वहां का लाइब्रेरी एक्सेस आपको वन वीक के लिए आपको लाइब्रेरी के लिए एक्सेस मिल जाता है। मतलब कि आप कोई भी बुक वन वीक के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन हाँ आपके बाद उसके बाद आपको चार्ज देने पड़ते हैं अगर आप उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर बुक रखते हैं। अब मैं अपना डिसीजन बताता हूँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जीजीपीएस बोकारो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि जीजीपीएस बोकारो में बहुत अच्छी फैकल्टी है कॉमर्स के। और अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जीजीपीएस बोकारो, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जीजीपीएस बोकारो बेस्ट है। लेकिन अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे मैं दूसरे स्टूडेंट से कॉम्पिटिट कर पाऊँ जो आपके रियल में कॉम्पिटिटर हैं, तो आपके लिए शायद जीजीपीएस बोकारो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम आपको कंपटीशन मिलेंगे बाकी सारे स्कूल से। और फी का भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जीजीपीएस बोकारो का फी काफी ज्यादा है। लगता तो नहीं है देखने में कि फी ज्यादा है, क्योंकि हमारा एडमिशन चार्ज जो जीजीपीएस बोकारो शुरुआत में लेता है वो कम लेता है, लेकिन अगर टोटल आप कंपैरिजन करेंगे बाकी सारे स्कूल से टू इयर्स का, तो जीजीपीएस बोकारो का फी बहुत ही ज्यादा है। और इसका जो न्यू एडमिशन चार्ज है वो भी आपको 20,000 देने पड़ते हैं जब आप 12 में जा रहे होते हैं। तो ये सारे को अगर आप इंक्लूड करेंगे बाकी सारे स्कूल से, तो जीजीपीएस बोकारो का फी बहुत ही ज्यादा है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए चिन्मया विद्यालय या फिर डीपीएस हो सकता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर जेई और नीट के लिए, आपको आपको चिन्मया विद्यालय और डीपीएस का भी कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर मिल रहा होगा, आप वहां पे जाके उस स्कूल के बारे में भी देख सकते हैं। और मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप 10 या फिर 11 या फिर 12 के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बहुत सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर और मोटिवेशनल वीडियोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।